स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, CBSE की तरफ से कुछ दिन पहले एक सर्कुलर आया था जिसमें उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा है जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड है। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कुछ टीचर्स ने सुना होगा, कुछ टीचर्स ने नहीं सुना होगा। जिन स्कूल्स में वोकेशनल सब्जेक्ट या स्किल सब्जेक्ट्स ऑप्ट करे हुए हैं, जिन CBSE स्कूल्स ने स्किल सब्जेक्ट्स या वोकेशनल सब्जेक्ट्स ऑप्ट करे हुए हैं, उन स्किल सब्जेक्ट में और वोकेशनल सब्जेक्ट में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड रहता है और पार्ट बी जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड होता है। तो पार्ट ए जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड है। सो इसी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर 5 यूनिट आती है जो कि क्लास 9, 10, 11, 12 के अंदर पढ़ाई जा रही है। पहले ये 9th और 10th के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया था, फिर इसे 11th और 12th के लिए भी इंट्रोड्यूस करा गया है। तो ये सारे जो स्किल सब्जेक्ट्स हैं जैसे 9th और 10th के अंदर हैं, एम्प्लॉयबिलिटी बेसिक जो है वो क्लास 9 से इंट्रोड्यूस होता है, फिर क्लास 10th में उसका एडवांस बताया जाता है, फिर 11th और 12th में भी आप स्किल सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। तो इन स्किल सब्जेक्ट्स में जो कॉमन चीज़ है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये सारे ही स्किल सब्जेक्ट्स के अंदर कॉमन रहता है। तो इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए CBSE ने टीचर्स को ट्रेनिंग देना शुरू करा। CBSE ने एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को मदद कर सकता है। जैसे हम गूगल क्लासरूम यूज़ करते हैं जिसमें टीचर एक गूगल क्लासरूम क्रिएट करता है और सभी बच्चों को उस गूगल क्लासरूम में ऐड करता है, इसी तरीके से CBSE ने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए सिर्फ उस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर जितने चैप्टर्स हैं क्लास 9, 10, 11, 12 उनके लिए एक पोर्टल तैयार कराया गया जिसमें टीचर अपने स्कूल को रजिस्टर कर सकता है और टीचर ही अपने क्लास के बच्चों को उसके अंदर रजिस्टर कर सकता है और उसके थ्रू सारा मटेरियल टीचर अपने बच्चों को बता सकता है। ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम CBSE ने एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर बनाया है, उसके अंदर सबसे पहले टीचर को अपने आप को रजिस्टर करना है, अपने स्कूल को रजिस्टर करना है, फिर उसके बाद उसको क्लासेस क्रिएट करनी है, क्लासेस क्रिएट करने के बाद बच्चों को उसके अंदर रजिस्टर करना है। और ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ये सेल्फ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें टीचर्स भी बच्चों को मदद कर सकते हैं सारी चीज़ों को समझने के लिए और सारी चीज़ों को समझाने के लिए, और स्टूडेंट्स अगर चाहें तो वो खुद भी इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जितना भी मटेरियल अवेलेबल है उसको देखते हुए सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये एक ऐसा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें अगर टीचर बच्चों को कुछ वर्क असाइन करता है तो वो खुद सेल्फ स्टडी करके उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या टीचर भी बच्चों को मदद कर सकता है, क्लास में उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, उस सारे मटेरियल को यूज़ कर सकता है उस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पार्ट को पढ़ाने के लिए। सो क्लास वाइज आपको वहाँ पे मटेरियल अवेलेबल मिल जाएगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको CBSE की वेबसाइट दिखा देता हूँ जहाँ पे सर्कुलर्स रहते हैं। तो ये CBSE की वेबसाइट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 2021 के कुछ सर्कुलर्स मिलेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में आपको पता पड़ेगा। आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो कुछ नोटिफिकेशंस मिलेंगे। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है टीचर्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कंपोनेंट ऑफ स्किल कोर्सेज, ये अभी जुलाई में भी आया है। इसके पहले यही चीज़ टीचर्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कंपोनेंट ऑफ स्किल सब्जेक्ट जून में भी CBSE ने नोटिफाई करा था, एक नोटिफिकेशन निकाला था, तो उस समय भी इस चीज़ से रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई थी और अभी जुलाई में वापस से इसके लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो ये इसका सर्कुलर है जो कि अभी 13/7/2021 का है, आप देख सकते हैं। सेकेंडरी लेवल 9th और 10th के लिए 15 जुलाई, जो कि एक सेशन 15 जुलाई को इन्होंने शेड्यूल करा हुआ है 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, और यहाँ पे आपको लिंक दी हुई है जिसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी लेवल में जिन लोगों ने स्किल सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करा हुआ है वो जब इस फॉर्म को भरेंगे तो उनकी जो वर्कशॉप होगी वो 22 जुलाई को होगी, वो भी गुरुवार को रहेगी 2:30 बजे से 4:30 बजे, और फिर से सेकेंडरी लेवल के लिए एक और वर्कशॉप है जो कि 29 जुलाई को होगी, गुरुवार को 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे। अब ये जो वर्कशॉप्स हैं इनकी नोटिफिकेशन जब आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो आपके मेल पे आ जाएगी, जो कि वेबएक्स के प्लेटफॉर्म से ली जाएगी। आपको वेबएक्स का प्लेटफॉर्म अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखना है या फिर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखना है। तो ये तो हो गई सर्कुलर की बात और ट्रेनिंग की बात। अब ये ट्रेनिंग में क्या बताया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ये ट्रेनिंग अटेंड करी है और उसके बाद क्या बताया गया है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इस ट्रेनिंग में सबसे पहले तो ये बताया जाएगा कि आपकी CBSE ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये सारा कंटेंट तैयार करा है और ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है PSS, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं वोकेशनल एजुकेशन।
तो ये वोकेशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क करते हैं। अब वोकेशनल सब्जेक्ट्स में 5 चीज़ें इंक्लूड हैं। सबसे पहले है कम्युनिकेशन स्किल, दूसरी है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, तीसरी है ICT स्किल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड फिफ्थ है ग्रीन स्किल। तो ये 5 चैप्टर आपको इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर मिलेंगे, जो कि वोकेशनल सब्जेक्ट, जो कि वोकेशनल सब्जेक्ट कह सकते हैं या स्किल सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो पार्ट ए के अंदर आपको ये 5 चैप्टर्स आपको हमेशा कॉमन मिलेंगे। इनका क्लास वाइज जो कंटेंट है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वो बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल तक जाता है। सो हर क्लास में आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, बट चैप्टर के जो नाम रहेंगे वो सेम रहेंगे क्लास 9, 10, 11, 12 के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे, यहाँ पे बैनर पे आपको दिख रहा है कि 15 तारीख को इनकी कुछ वर्कशॉप्स इन्होंने शेड्यूल करी हुई है, पर टीचर्स ट्रेनिंग की वर्कशॉप जो है वो आपको CBSE की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब उस वर्कशॉप में क्या बताया गया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई स्कूल्स के टीचर उस वर्कशॉप को अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो वहाँ पे ये बताया गया है कि आपको इस वेबसाइट पे आना है। तो इस वेबसाइट को आप ध्यान से देखिए, PSSCIVE.ac.in इस वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको ये पब्लिकेशन का टैब दिखाई देगा। इस पब्लिकेशन के टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको डिजिटल रिसोर्सेज का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इज इंक्लूडेड एज अ कॉमन कोर ऑफ स्टडी अक्रॉस ऑल ट्रेड्स टू एम्पावर स्टूडेंट्स फॉर वर्क लाइफ, क्लिक टू एक्सेस ई लर्निंग लेसन मैप टू योर टेक्स्ट बुक चैप्टर्स। तो हमारे CBSE के द्वारा जो टेक्स्ट बुक बनाई गई हैं स्किल सब्जेक्ट की या स्किल कोर्सेज की या वोकेशनल सब्जेक्ट की, जैसे IT 402 एक स्किल सब्जेक्ट है, तो उसकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट है वो इन्होंने सभी स्किल सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रखा हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये जो लिंक आपको दिख रही है, इस लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जो लोग इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करेंगे उनके लिए इस पोर्टल पे उनका स्कूल ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा, बट जो लोग इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर नहीं करेंगे उनके स्कूल को किस तरह से रजिस्टर करना है उसके लिए आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो कि वो मीटिंग जो कि वर्कशॉप में भी बताई जाती है कि अगर आप इस पोर्टल तक आए हैं और अगर आपको अपना स्कूल यहाँ पर रजिस्टर नहीं मिलता है तो आपको इस इन्फॉर्मेशन पर जाकर मेल करना है या कॉल करना है या व्हाट्सएप से आपको इन्फॉर्मेशन अपने स्कूल की प्रोवाइड करानी है। तो आप इस मेल पे अपने स्कूल की इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं अगर आप अपने स्कूल को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, और इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने स्कूल को रजिस्टर कराने के लिए। स्कूल को रजिस्टर कराने का मतलब है कि जब आप इस पोर्टल पर आएंगे तो टीचर को अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। टीचर जब अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तब वो इस पोर्टल को ओपन कर पाएंगे, उसमें लॉगिन कर पाएंगे और क्लासेस क्रिएट कर पाएंगे, जैसे हम गूगल क्लासरूम में करते हैं, और अपने स्टूडेंट्स को इस पोर्टल के थ्रू जो उन्होंने क्लासेस बनाई है उसमें ऐड कर पाएंगे। सो ये प्रोसेस तब पॉसिबल है जब आपका स्कूल रजिस्टर्ड है इस वेबसाइट में। अगर आपका स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप इस ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टैक्ट करना है और अपने स्कूल को रजिस्टर करवाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस इंसर्ट करना है, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ईमेल लिखना है, तो मैं यहाँ पर अपना एक ईमेल लिख दे रहा हूँ जो कि मैंने रजिस्ट्रेशन के समय पे दिया था, जब मैंने वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करा था। अगर आपके पास आपके स्कूल के थ्रू दिया हुआ कोई ईमेल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपना एक नॉर्मल ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं जो आपने वर्कशॉप के समय पे दिया। अगर आपने वर्कशॉप के समय पे कोई भी ईमेल आईडी नहीं दिया है तो जिस ईमेल आईडी से आपने इनको सपोर्ट करा है अपने स्कूल को रजिस्टर करने के लिए, उस ईमेल आईडी के थ्रू आप यहाँ पे अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। सो ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एज अ फैकल्टी और एज अ स्टूडेंट। सो क्योंकि आप एज अ फैकल्टी ज्वाइन हो रहे हैं सो आपको एज अ फैकल्टी चुनना है। जब आप अपने स्टूडेंट्स को रजिस्टर करेंगे सो उनको आपको एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करवाना रहेगा। तो मैं अभी यहाँ पे एज अ फैकल्टी को चूज़ कर रहा हूँ। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने फिर से एक चीज़ दी है कि इफ़ यू डू नॉट सी योर इंस्टीट्यूट डिटेल और हैव एनी अदर डिफिकल्टी प्लीज़ ईमेल ऑन दिस और कॉल ऑन दिस। तो अगर आपको कोई भी परेशानी आती है या अगर आप अपने स्कूल की डिटेल यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं सो आपको इनको इस मेल आईडी पे कांटेक्ट करना है या इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। तो अभी मैं ट्राई करके देखता हूँ कि मेरे स्कूल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि नहीं है।
तो जैसा जैसा यहाँ पे दिया हुआ है वैसे वैसे आपको सिलेक्ट करते रहना है। पहले आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, फिर स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। अब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना ब्लॉक और टाउन सिलेक्ट करना है। जो जो डिटेल आपको यहाँ पे मांगी जा रही है वही डिटेल आपको इस सपोर्ट वाली आईडी पे सेंड करनी है अगर आपका स्कूल यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं मिलता है, ठीक है। सो आपको वो सारी डिटेल्स जो यहाँ पे मांगी जा रही है वो इस ईमेल आईडी पे या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके देनी रहेगी। अब इतना करने के बाद तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी सिर्फ दो ही स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। फिर आपको अपना स्कूल यहाँ से सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे आपको कुछ ही स्कूल्स की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। स्कूल के नाम को सिलेक्ट करने के बाद अगर आपका स्कूल इस लिस्ट में है तो उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ट्रेड सिलेक्ट करना है। सो जितने भी स्किल सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मेरे स्कूल में आईटी सब्जेक्ट है तो मैं आईटी को सिलेक्ट करूँगा। अगर आपके स्कूल में किसी और सब्जेक्ट को ऑप्ट करा हुआ है, स्किल सब्जेक्ट को लिया हुआ है, तो आप उस सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और उसको सबमिट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपका स्कूल इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको उनको एक मेल करना रहेगा। तो आपको इस ईमेल आईडी पे या इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके या ईमेल करके आपको अपने स्कूल को रजिस्टर करवाना रहेगा, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से मेल करके अपने स्कूल को रजिस्टर करवाया है। सो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने मेरा नाम, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ब्लॉक और टाउन और स्कूल का नाम और किस ट्रेड में, किस सब्जेक्ट को हमने ऑप्ट करा हुआ है उसको मेंशन करके उनको मेल करा है। एक से ज़्यादा बार मैंने उनको मेल करा है। मैंने उनको एक मेल करा था जिस दिन ये वर्कशॉप हुई थी उसके दूसरे दिन, फिर उसके बाद मैंने एक बार और मेल करा था और फिर मैंने उनको व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट करा था। तो मेल और व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करने के बाद मुझे उनका रिप्लाई आया था जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो इस तरह से मुझे रिप्लाई आया था, डियर सर, योर स्कूल हैज रजिस्टर्ड, प्लीज सिलेक्ट डैश 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 एस ब्लॉक, ओके। सो अब जब मैं इस पोर्टल पे आया, मैंने यहाँ पे कंट्री में इंडिया को सिलेक्ट करा, उसके बाद स्टेट में मैंने मध्य प्रदेश सिलेक्ट करा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में मैंने मेरी सिटी को और मेरे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करा, उसके बाद फिर मैंने मेरे ब्लॉक और टाउन को सिलेक्ट करा और फिर यहाँ पे मुझे मेरे स्कूल का नाम दिखने लग गया। तो मैंने मेरे स्कूल के नाम को सिलेक्ट कर लिया। नो, जैसा कि मैंने वहाँ पे मेंशन करा था ट्रेड के बारे में, सो आईटी, आईटीएस, सो यहाँ पे मैंने वो मेंशन कर दिया। अब मुझे यहाँ पे मेरा नाम लिखना है और अपना नाम लिखने के बाद मुझे यहाँ पे इसको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करा, यहाँ पे देखिए एक मैसेज आया, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, वी हैव सेंट द वेलकम ईमेल विथ टेम्पररी पासवर्ड डैश 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 ऑन टू दिस मेल, काइंडली लॉग इन एंड रीसेट द पासवर्ड, ठीक है। सो आपके मेल पे एक, ठीक है, सो आपके मेल पे एक टेम्प्ररी पासवर्ड आया होगा, ठीक है, उसी मेल अकाउंट पे जो आपने यहाँ पे रजिस्टर कराया है। सो आपको लॉग इन करके उस पासवर्ड को चेंज कर लेना है। सो आपको अपने मेल अकाउंट को चेक करना है कि आपको मेल आया है कि नहीं आया है। अगर आपको मेल नहीं आया है तो आप एक बार ट्रैश और स्पैम में आके देख सकते हैं, कहीं वो मेल जो है वो ट्रैश या स्पैम में तो नहीं चला गया है। आप अपने इनबॉक्स में, ट्रैश में और स्पैम में एक बार चेक कर सकते हैं। अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो हो सकता है मेल थोड़े टाइम बाद भी आए, ठीक है। सो इस तरह से देखिए आपको ये मेल मिलेगा, वेलकम टू लर्न वाइज। लर्न वाइज की तरफ से ये वर्कशॉप अरेंज कराई गई थी तो उनकी वेबसाइट के थ्रू आपको मेल आया है, ठीक है। और आपको इस तरह से आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। यूज़र नेम में आपका ईमेल एड्रेस ही आपका यूज़र नेम रहेगा और पासवर्ड में एक टेम्पररी पासवर्ड है और साथ में आपको एक इंस्टीट्यूट कोड मिलेगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने स्टूडेंट्स को इस वेबसाइट पर रजिस्टर करवा सकते हैं। अभी हम वो प्रोसेस भी देखेंगे कि आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से इस वेबसाइट पर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ये टेम्प्ररी पासवर्ड को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस इंसर्ट करना है लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस करके नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये टेम्प्ररी पासवर्ड पूछेगा। आपको यहाँ पे एक नया पासवर्ड सेट करना है, वो आप एक नया पासवर्ड सेट कर लीजिए। फिर आपको कंफर्म पासवर्ड में वही सेम पासवर्ड यूज़ करना है जो आपने नया पासवर्ड यहाँ पे सेट करने के लिए इंसर्ट करा है और फिर आपको साइन इन करना है। तो यहाँ पे देखिए ये मैसेज आया है, दिस वेबसाइट यूज कुकीज टू कंटिन्यू प्लीज एग्री। सो आपको यहाँ पे एग्री करना रहेगा, नेसेसरी प्रेफरेंसेस, स्टेटिस्टिक, मार्केटिंग और आपको सबमिट कर देना है।
जैसे ही उस मैसेज को आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे एक और मैसेज आएगा, प्लीज़ सिलेक्ट योर कोर्स लैंग्वेज। तो यहाँ से आप कोर्स लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश ही रहने दिया है और इसको मैंने सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, ये मैसेज के बाद आपको ये आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करने को बोलेगा। प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंसर्ट करना रहेगा। बाकी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई हैं, नाम और लास्ट नेम, कंट्री, बस आपको मोबाइल नंबर को इंसर्ट करके नेक्स्ट करना रहेगा। देखिए अभी ये स्क्रीन पे आपको लर्नवाइज का लोगो और यहाँ पे मेन्यू के अंदर कुछ मेन्यू आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे डैशबोर्ड, कोर्सेज, मैनेज बैचेस, स्टार्टअप क्लब, और नीचे आपको यहाँ पे दिस कोर्स इज ऑफर्ड टू क्लास 9th स्टूडेंट्स, दिस कोर्स इज ऑफर्ड टू क्लास 10th स्टूडेंट, दिस कोर्स इज ऑफर्ड टू क्लास 11th स्टूडेंट एंड दिस कोर्स इज ऑफर्ड टू क्लास 12th स्टूडेंट। सो यहाँ पे आपको 9th, 10th, 11th, 12th के लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो मटेरियल है वो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन में हैं, ठीक है, आपके पास ऊपर डैशबोर्ड है, कोर्सेज का मेन्यू है, आपके पास ऊपर मेन्यू बार में डैशबोर्ड का मेन्यू है, कोर्सेज का मेन्यू है, मैनेज बैचेस का मेन्यू है, स्टार्टअप क्लब का मेन्यू है, ठीक है, और यहाँ पे एक ये नोटिफिकेशन की बेल आपको दिखाई दे रही है। सो अब हम डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है। डैशबोर्ड पे अभी आपको एक मैसेज मिल रहा है, योर कोर्सेज विल अपीयर वंस दे आर क्रिएटेड, यू कैन यूज डैशबोर्ड टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ ईच ऑफ योर कोर्स, प्लीज नेविगेट टू कोर्सेज टैब टू गेट स्टार्टेड। तो कोर्सेज टैब के अंदर आपको सारे कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे, ठीक है, यहाँ से आप बैच को क्रिएट कर सकते हैं और कोर्स को प्रीव्यू कर सकते हैं, और मैनेज बैचेस के अंदर आपको दिख जाएंगे आपके एक्टिव बैचेस। अभी आपकी कोई भी बैच यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो कोर्सेज के अंदर हम चलते हैं और मैं मेरे स्कूल के लिए एक बैच क्रिएट करके देखता हूँ 9th ग्रेड की। सो क्रिएट बैच के ऊपर मैंने क्लिक करा, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट न्यू बैच, कॉपी बैच। तो अभी हम क्रिएट न्यू बैच के ऊपर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जब क्रिएट न्यू बैच के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ गया है एंटर बैच नेम, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ आप बैच के नेम बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए सेशन 21-22। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बैच बना ली है क्लास 9th सेशन 21-22, ठीक है, और नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बैचेस के अंदर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट मेंशन कर देता हूँ। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 50, ठीक है। सिलेक्ट डेट के अंदर मैंने यहाँ पे आज की डेट सिलेक्ट कर ली है। क्लासरूम का ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, एक्टिविटी रूम का ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, और यहाँ पे बैच की एंड डेट आपको सिलेक्ट करने को बोलेगा। सो आप बैच की एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा 2022 मार्च, तो मैं 2022 मार्च 31 सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो ये बैच की एंड डेट है और मैंने यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया है, ठीक है। मैंने 50 की जगह यहाँ पे 100 कर दिया है बैच साइज और क्रिएट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। सो अब थोड़ा सा टाइम लगेगा ये बैच क्रिएट होने में। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया है, न्यू बैच विद दिस 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 कोड इज क्रिएटेड, प्लीज नोट डाउन दिस कोड, स्टूडेंट हु विश टू ज्वाइन this batch will need to enter this code to enroll to this batch. So students को आपको ये code देना रहेगा batch में join होने के लिए। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके कर दिया। सो बैच बनने के बाद यहाँ पे आप इस बैच के अंदर स्टूडेंट्स को मैनुअली रजिस्टर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है नेम, ठीक है, स्टूडेंट का नाम, उसका ईमेल, उसकी कंट्री और फोन नंबर, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कोर्स प्लान का। कोर्स प्लान में आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन चैप्टर अभी दिखाई दे रहे हैं, यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल 1, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल 1, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल 1, ठीक है। इसमें आप डेट असाइन कर सकते हैं कि स्टूडेंट कब कब किस किस टाइम पे इस चीज़ को पढ़ेंगे और कब इस कोर्स को फिनिश हो जाना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई 17, क्योंकि आज ये बैच क्रिएट हुई है, सो ये डेट यहाँ पे इसलिए शो हो रही है। सो आज से अगर आप असाइन करते हैं या कल से असाइन करते हैं तो आप बच्चों को इस डेट वाइज भी मटेरियल असाइन कर सकते हैं। अब मैनेज बैचेस के अंदर जाके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये बैच आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको बैच का नाम एडिट करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है, बैच का कोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बैच कब स्टार्ट हुई है ये दिखाई दे रहा है, मैनेज स्टूडेंट के ऑप्शन पे जाके स्टूडेंट को मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक चैट का ऑप्शन भी दिख रहा है और क्लोज बैच का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है।
तो ये एक पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपके स्टूडेंट्स ने कितने चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है, और आप यहाँ पे कई सारी बैचेस बना सकते हैं। तो हम वापस कोर्सेज पे चलते हैं, और यहाँ से हम एक 10th की बैच को क्रिएट करते हैं सेम तरीके से। तो क्रिएट न्यू बैच, यहाँ पे बैच का नाम हम एंटर कर देते हैं, क्लास 10th, सेशन 2021, 100 स्टूडेंट्स, या यहाँ पे लिख देते हैं 50 स्टूडेंट्स, डेट। और एंड डेट, और यहाँ पे हमने इसे क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने दो बैचेस क्रिएट कर ली हैं। अब मैं आपको कोर्स का प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि कोर्स के अंदर क्या है। तो जैसे ही आपने स्टार्ट कोर्स करा, जैसे ही आपने यहाँ पे स्टार्ट कोर्स के बटन के ऊपर आके क्लिक करा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कम्युनिकेशन स्किल 1 का मॉड्यूल दिख जाएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कोर्स इन्फो। सो यहाँ पे ये कोर्स इन्फो का आपको टैब देखने लग जाएगा। कोर्स डिटेल में जाते हैं तो आपको कोर्स की डिटेल मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल, देन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, देन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, देन एंटरप्रेन्योर स्किल्स। तो अभी यहाँ पे 4 चैप्टर्स इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। ग्रीन स्किल अभी इसके अंदर ऐड नहीं हुआ है। जब आप इस पर्टिकुलर कोर्स पर आएंगे तो आपको ऊपर नए टैब्स मिलेंगे, जैसे प्रैक्टिस वेंचर, पीवी माइलस्टोन, फैकल्टी नोट्स, रिपोर्ट्स, ऐसी कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जब आप डैशबोर्ड पर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें वापस से आपको दिखना बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये जो सब टैब्स हैं ये कोर्सेज के अंदर है। अब जब आप डैशबोर्ड के अंदर आए हैं तो आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। कितने स्टूडेंट्स कोर्स कंप्लीट कर लेंगे वो आपको दिख जाएगा, कितने चैप्टर लेफ्ट हैं, कितने चैप्टर कंप्लीट हुए, कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। तो यहाँ से आप पूरा मैनेज कर सकते हैं अपने स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ को। ये दोनों बैचेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देने लग जाएगी। अभी 9th के अंदर इन्होंने 3 चैप्टर्स को यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया है, और 10th के लिए 4 चैप्टर्स को यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया आउट ऑफ 5। 9th और 10th दोनों में ही 5 चैप्टर्स हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पार्ट के अंदर। तो इस तरह से आप इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए हम ये देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को ज्वाइन करना चाहता है, या आप अपने स्टूडेंट्स को इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से हो पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ क्लास 9th के लिए, और यहाँ से मैं लॉग आउट हो जाता हूँ। ठीक है, लॉग आउट होने के बाद जैसा कि हमने देखा था कि एक प्रोसेस था जहाँ से हमें अकाउंट क्रिएट करना था, तो स्टूडेंट्स को भी वहीं से ही अकाउंट क्रिएट करना रहेगा। अब वो किस तरह से वर्क करेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम वापस से उसी वेबसाइट पे आ गए हैं जहाँ से हमने इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को ओपन करा था। देखिए ये PSSCIV की वेबसाइट है, और यहाँ से मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक करा है। यहाँ पे स्टूडेंट को अपना मेल एड्रेस इंसर्ट करना है। सो सपोज़ करिए कि मेरे एक स्टूडेंट ने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करा और नेक्स्ट करा, फिर यहाँ पे उसको ऑप्शन मिलेगा फैकल्टी या स्टूडेंट। सो उसको स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे उसको सेम उसी तरीके से कंट्री, स्टेट और सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। सेम स्टूडेंट को उसी तरीके से सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है जैसे टीचर ने करी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू पासवर्ड का एक ऑप्शन है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड हमने बना लिया है, और यहाँ पे एक कन्फर्म पासवर्ड का ऑप्शन है। तो आप अपने स्टूडेंट को थोड़ी सी डिटेल बताएंगे कि उसको किस तरह से यहाँ पे रजिस्टर होना है, और स्टूडेंट जैसे ही इसको सबमिट करेंगे उनका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब स्टूडेंट के मेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन मेल गया है, सो उनको अपने मेल एड्रेस को वेरीफाई करना है। सो उनको अपने मेल पे जाना है, और जो वेरिफिकेशन लिंक आई है उसके थ्रू वेरीफाई करना है। तो
इस तरह से उनको ये वेरिफिकेशन मेल आएगी। ये देखिए लर्न वाइज का वेरिफिकेशन मेल आ गया है, उनको यहाँ से ये वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मेल को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड लॉग इन टू लर्न वाइज। अब उनको इस लॉग इन बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो लॉग इन बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये ईमेल एड्रेस इंसर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस को एंटर करके नेक्स्ट करना है और जो पासवर्ड स्टूडेंट ने वहाँ पे क्रिएट करा था वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके साइन इन करना है। ठीक है, ये पॉपअप मैसेज आएगा इसको सबमिट कर देना है, ये लैंग्वेज का मैसेज आएगा इसको सबमिट कर देना है। अब ये लैंग्वेज पॉपअप के बाद स्टूडेंट को एक और स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पे उसको अपना नाम एंटर करना है। तो सपोज करिए स्टूडेंट ने अपना नाम एंटर कर दिया है और यहाँ पे उनको अपना एक फ़ोन नंबर ऐड करना है। इतना करने के बाद नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के लिए पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट को बता सकते हैं वो अपना ग्रेजुएशन का ईयर डाल दें और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लेना है। स्ट्रीम में आप जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं और सबमिट कर देना है। अब देखिए जैसे ही स्टूडेंट लॉग इन करेंगे सो उनको कोर्सेज के अंदर इनरोल करने के लिए यहाँ पे बैच आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। जो बैच आईडी वहाँ पे टीचर के अकाउंट में बना था वो बैच आईडी टीचर को स्टूडेंट को देना रहेगा। स्टूडेंट वो बैच आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे और ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही वो ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ये इस तरह से उनको कोर्स की इन्फॉर्मेशन दिखने लग जाएगी और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस बैच, तो उनको येस के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ सर्वे है जिसको उनको कंप्लीट करना है और सबमिट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया है, ज्वाइंड बैच सक्सेसफुली। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी अपकमिंग मॉड्यूल नहीं दिख रहा है, बट जब आप कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोर्स की सारी चीज़ें उनको दिखने लग जाएंगी, सारे लेसन्स उनको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए तीनों लेसन्स उनको दिखने लग जाएंगे। तो इस तरह से आपके स्टूडेंट्स इन कोर्स को देख पाएंगे जब वो आपकी बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इसके ऊपर मैं और एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा और डिटेल में इसके ऊपर एक और वीडियो बना पाऊँ जिसमें मैं दिखा सकूँ आपको कि जैसे जैसे स्टूडेंट किसी मॉड्यूल को लर्न करते जाते हैं टीचर के पोर्टल पर उस मॉड्यूल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, कितने स्टूडेंट ने उसको लर्न कर लिया है, कितने स्टूडेंट ने उसको कंप्लीट कर लिया है, किस तरह की रिपोर्ट्स दिखाई देती है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आया हो, इसे शेयर करिए, कई सारे ऐसे स्टूडेंट कई सारे ऐसे टीचर्स होंगे जिनको प्रॉब्लम आएगी तो आप इनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ।